शेप जैसे जुड़ता है उसका शेप चेंज हो जाता है और प्रोडक्ट बनाता है। लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर ने दिया था, इसमें ये बताया गया था कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से जुड़ता है, तो सबस्ट्रेट एक ताले का काम करता है, एंजाइम एक ताले का काम करता है, सबस्ट्रेट एक की के समान काम करता है कि वही जुड़ता है जो कि उस वही सबस्ट्रेट जुड़ता है जो कि जिसके लिए वो एंजाइम बना है, ठीक है। और फिर देयर इज नो चेंज इन एक्टिव साइट, मतलब ताले में कोई चेंजेस उसके एक्टिव साइट में नहीं आता है, ठीक है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी बताया गया था कि कैसे स्पेसिफिक चीज ही उससे जुड़ सकता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है, एक्टिव साइट में जुड़ के सबस्ट्रेट। फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो अपना मेन मेजर टॉपिक है काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन, कि एंजाइम के द्वारा जो कितना उस रिएक्शन को कैटेलाइज किया गया या रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम के द्वारा कितना बढ़ाया गया। काइनेटिक एनालिसिस रिवील्स द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल स्टेप बाय स्टेप एंजाइम ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है उसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, है ना। काइनेटिक्स मतलब कि कैसे वो कंट्रोल कर रहा है और किस रेट से वो रिएक्शन हो रहा है ना, स्पीड से हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एंड द डिपेंडेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, जिसको अपन ई स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर ए केमिकल रिएक्शन, वो लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जिस जो चाहिए किसी एनर्जी रिएक्शन के होने के लिए। तो एंजाइम एक्ट्स एज ए सबस्ट्रेट इन सच अ वे दैट द लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, हम लोग ये शुरू में ही पढ़े थे प्रॉपर्टीज में कि एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं जिससे सबस्ट्रेट का रिएक्शन इजीली हो जाता है ना, बाय चेंजिंग द रूट ऑफ द रिएक्शन। एंजाइम एक्ट्स एज ए सब्स एक्ट्स ऑन सबस्ट्रेट इन अ सच अ वे, वो ऐसे उसमें काम करता है कि उसका एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है बाय चेंजिंग द रूट ऑफ रिएक्शन, है ना, जो रिएक्शन का रूट है उसको चेंज करके उसका एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। द रिडक्शन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट अचीव एन सफिशियंट लेवल ऑफ एनर्जी, ठीक है, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर देता है जिससे वो इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देता है जिससे दे रीच द एक्टिवेशन एनर्जी एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, जिससे प्रोडक्ट बनता है लास्ट में। ये चीज समझने के लिए हम लोग आगे देखेंगे कैसे ये होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम करता है और रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ता है या ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी या सफिशेंट एनर्जी उनको मिलता है जिससे वो नया प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटलाइजेस द हाइड्रेशन ऑफ 10^6 CO2 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, विच इज 10^7 टाइम्स फास्टर देन द स्पॉन्टेनियस हाइड्रेशन।
अगर नॉर्मली ये होगा विदाउट कैटलिस्ट, तो अगर कैटलिस्ट उसमें यूज होता है 10 to 7 टाइम्स वो फास्टर कर देता है, स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरली जो हो रहा है हाइड्रेशन, उससे वो 10 to 7 टाइम्स उसको फास्ट कर देता है। अब यहाँ देखते हैं एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द एंजाइम्स। तो एक ग्राफ में जब अपन देखेंगे तो लेफ्ट साइड देखेंगे एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यहाँ नीचे से जैसे ऊपर जाएंगे ये बढ़ते जाता है एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और इधर क्या बढ़ रहा है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन टाइम, यहाँ टाइम कितना लग रहा है, ठीक है टाइम बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ इनिशियल एनर्जी दिया हुआ है, यहाँ यहाँ तक सेम इनिशियल एनर्जी है, ठीक है। फिर जैसे ये आगे बढ़ते जाता है, यहाँ जो दो इसमें अपन देख सकते हैं दो दिख रहा है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी इतने एक्टिवेशन एनर्जी में ही ये रिएक्शन हो जाता है, कब जब इसमें एंजाइम है, एंजाइम कैटलाइज कर रहा है उस रिएक्शन को, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ कम लगा है, और यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग रहा है जबकि उसमें एंजाइम नहीं यूज़ किया जा रहा है, एंजाइम नहीं है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, और फिर लास्ट में प्रोडक्ट बन रहा है एक टाइम पे, ठीक है। तो ये है एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, उसको ग्राफ में के रूप में बताया गया कि कैसे लोअर कर रहा है। काइनेटिक्स, इट इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन को वो बढ़ाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ये इसको हम लोग देखेंगे कैसा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम, जिसको अपन पहले देखे थे फैक्टर्स उसमें जनरल प्रॉपर्टीज में, कि तीन फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम को अफेक्ट करते हैं। पहला है टेम्परेचर, दूसरा हाइड्रोजन आयरन कंसेंट्रेशन दैट इज पीएच, और तीसरा है सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन। तो टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टेम्परेचर में रिएक्शन ज़्यादा होगा या कम टेम्परेचर में कम होगा, हर रिएक्शन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी के लिए 35 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है और किसी के लिए कम भी हो सकता है, पर इन जनरल एंजाइम्स फॉर ह्यूमन जनरल स्टेबिलिटी टेम्परेचर जो ह्यूमंस के लिए है टेम्परेचर 35 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। वैसे पौधों में अलग होगा, हर रिएक्शन के लिए वो एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ दिखाया गया है रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में कर्व, तो मान लो उस रिएक्शन में सबस्ट्रेट भी है और एंजाइम भी है, दोनों चीज़ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे अपन टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ जैसे 0 में कम है, और जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ 30 के आसपास आया तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो गया है, और यहाँ पर फिर टेम्परेचर और हाई होने से क्या है रेट ऑफ रिएक्शन फिर कम हो गया। तो इस 20 to 40 के रेंज में यहाँ एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इसमें ये क्या हो रहा है ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ हाई है, उसी को बताया गया है कि जैसे ही 5 degree to 40 डिग्री में इंक्रीज इन एक्टिविटी होता है और 40 डिग्री के बाद वो डीनेचर हो जाता है, कई बार क्या हो जाता है एंजाइम काम नहीं करता है अगर ज़्यादा टेम्परेचर में भी और कम टेम्परेचर में भी, वही है टेम्परेचर का इफेक्ट होता है एंजाइम में। फिर इफेक्ट ऑफ पीएच, वैसी ही पीएच है, बहुत कम पीएच में या हाई पीएच में, कम पीएच मतलब एसिडिक कंडीशन में वह काम नहीं करेगा, और बहुत ज़्यादा बेसिक कंडीशन में या हाई पीएच में भी वह काम नहीं करेगा। तो ऑप्टिमम पीएच हर एंजाइम्स का अलग अलग होता है, मोस्ट एंजाइम एग्जिबिट ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ एट पीएच वैल्यू 5 and 9 के बीच में,
इसका ऑप्टिमम है मैक्सिमम एंजाइम्स का एक्टिविटी का। द रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन पीएच, पीएच पे डिपेंड करते हैं। वैसे ही देखो अलग अलग एंजाइम्स का दिया गया है कि कौन सा एंजाइम्स कौन से पीएच में ज़्यादा काम करता है, तो ये एक पेप्सिन जो है वो एसिडिक कंडीशन में ज़्यादा काम करता है, वैसे ट्रिप्सिन जो है उसका ऑप्टिमम पीएच 6 to 8 देख सकते हैं, वैसे ही आर्जिनेस का देख सकते हैं ऑप्टिमम 8 to 9 पीएच है ना, बेसिक कंडीशन होते जाता है जैसे अपन पीएच बढ़ाते जाते हैं और पीएच जैसे कम होते जाता है वैसे एसिडिक कंडीशन आते जाता है, तो पेप्सिन एसिडिक में काम अच्छी तरह करता है उसके लिए ऑप्टिमम पीएच कम है, वैसे ट्रिप्सिन के लिए ऑप्टिमम पीएच 4 to 8 कह सकते हैं या 10 कह सकते हैं, वैसे ही आर्जिनेस के लिए ऑप्टिमम पीएच अपन 6 के बाद से 10 तक या 10 के आगे तक ले सकते हैं, बेसिक कंडीशन में काम करता है। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे माइकेलिस एंड मेंटल मॉडल और उसका इफेक्ट्स ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या होगा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम लोग तीसरा चीज देख रहे हैं, सबस्ट्रेट जो है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम होने से भी एंजाइम को वो अफेक्ट करता है, तो उसके लिए इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ये बताया गया था माइकेलिस एंड मेंटल मॉडल, और इसका अपन इक्वेशन देखेंगे और प्लॉट देखेंगे, प्लॉट यानी ग्राफ। ओके, तो उसमें पहले है माइकेलिस एंड मेंटल मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एंजाइम रिवर्सिबली कंबाइंस विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म एन ES कॉम्प्लेक्स दैट सब्सिक्वेंटली yields प्रोडक्ट regenerating द फ्री एंजाइम। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम कंबाइन होता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, रिवर्सिबली कंबाइन हो रहा है, मींस यहां पर अपन देख रहे हैं रिवर्सिबल वाला साइन डला हुआ है, रिवर्सिबली कंबाइंड विद सबस्ट्रेट, कंबाइन होके क्या बनाता है, ES कॉम्प्लेक्स बनाता है और दैट सब्सिक्वेंटली यील्ड्स प्रोडक्ट, फिर उससे जनरली क्या बनता है, वही फिर जाके प्रोडक्ट बनाता है यहाँ, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और यहाँ उससे प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट P, और रीजनरेटिंग द फ्री एंजाइम मतलब फिर से एंजाइम फ्री बन जाता है, फ्री हो जाता है। ठीक है, यही बता रहा है, तो रिएक्शन में S जो है वो क्या है, सबस्ट्रेट है, E क्या है, एक एंजाइम है, ES क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, P इज प्रोडक्ट, K1 K-1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट, कि किस रेट से E और S ज्वाइन होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इसको फॉरवर्ड में है तो K1 कहते हैं, और जब वो इसको जाना चाहिए फॉरवर्ड पर ये वापस भी आ सकता है, इसलिए इसको K-1 से या माइनस से डिनोट किया जाता है ये, क्योंकि इसको फॉरवर्ड जाना है पर रिवर्स आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं और एंजाइम रिलीज हो रहा है ना, फ्री रिलीज हो रहा है, तो इस रेट कॉन्स्टेंट को कैसे डिनोट किए, K2 से। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका पूरा डेरिवेशन है जिसको आपको ज़्यादा डिराइव नहीं करना है, पर आपको इक्वेशन पता होना चाहिए क्या होता है इक्वेशन और उसका प्लॉट यानी कि ग्राफ। तो माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन विच डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है, हाउ रिएक्शन वेलोसिटी वेरीज, जो रिएक्शन का जो स्पीड है वेलोसिटी है वो कैसे बदलता है या वेरीज होता है,
विथ सबस्टेंट कंसेंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन घटेगा या बढ़ेगा उस हिसाब से रिएक्शन भी कैसे घटेगा बढ़ेगा ये हमको बताता है कि सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन के हिसाब से कैसे रिएक्शन वेलोसिटी, रिएक्शन का वेलोसिटी भी वैरी करता है या चेंज होता है। तो इसका फॉर्मूला है वी जीरो, वी जीरो इज इक्वल टू वी मैक्स ऑफ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, जो ब्रैकेट डाला हुआ है इसका मतलब होता है कंसेंट्रेशन, बाय के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो वी जीरो इज द इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी, जब रिएक्शन चालू नहीं हुआ है उसके पहले रिएक्शन, जब शुरू में इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी क्या है, वी नॉट कहते हैं जिसको, वी नॉट। फिर उसके बाद है वी मैक्स, वी मैक्स इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी उसमें अटेन होगा या हुआ। या फिर के एम, के एम इज द माइकलिस कांस्टेंट, के एम यहाँ पर है माइकलिस कांस्टेंट इज इक्वल टू जो के माइनस वन प्लस के टू डिवाइडेड बाय के वन। ये जो है ये पूरा इक्वेशन सॉल्व इसमें डिराइव होता है, यही है माइकलिस कांस्टेंट जो पहले हमने देखे रिएक्शन के वन, और जब वो रिवर्सिबल हो रहा था तो माइनस के माइनस वन, फिर और फॉरवर्ड जा रहा था प्रोडक्ट बन रहा था तो के टू, उसी से माइकलिस कांस्टेंट बनता है। फिर एस इज द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन ये वाली चीज अपन पहले देख चुके हैं यहाँ। ठीक है, फिर तो ये होता है उसका माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ओके, फिर उसके बाद में है इसमें क्या क्या उसने एजम्पशन किया था, रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ ई एन एस, ये इस मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट का, फिर इनिशियल वेलोसिटी और स्टेडी स्टेट कंसेंट एजम्पशन, ये सब उसने एजम्पशन लिया था, पर आपको मेन इक्वेशन इसमें आपके सिलेबस में है। ठीक है, फिर उसके बाद में सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन का क्या रेट पे इफेक्ट डलता है ये अपन देखेंगे, और इसी से फिर बनेगा ये अपना प्लॉट, प्लॉट समझने के लिए ये जरूरी है। माइकलिस एंड मेंटन इक्वेशन के बाद में माइकलिस मेंटन प्लॉट या फिर ग्राफ अपन समझने के लिए इसको देख रहे हैं। तो इसमें दो ग्राफ आप लोग देख सकते हो, एक रिएक्शन रेट दिखा रहा है जो कि रिएक्शन रेट बढ़ते जा रहा है, और एंजाइम कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो जब एक्सेस में सबस्ट्रेट है, मतलब पर्याप्त मात्रा में सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ज्यादा है, तो जैसे आप एंजाइम का कंसेंट्रेशन जितना बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन भी वैसे ही बढ़ते जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएगा। कब? जब सबस्ट्रेट अपने पास पर्याप्त मात्रा में, और यहां पर देखो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन को हम पर बढ़ते हुए क्रम में है और रेट ऑफ रिएक्शन है, पर यहां पर जो एंजाइम का कंसेंट्रेशन है यहां कांस्टेंट है, मतलब एंजाइम एक कांस्टेंट मात्रा में है। मान लो 100 एंजाइम्स ही हैं, कांस्टेंट है 100 एंजाइम्स हैं, और सबस्ट्रेट यहां से बढ़ते जा रहा है ना, 100, 200, 400, 500, 800 जितना भी बढ़ते जाए कंसेंट्रेशन सबस्ट्रेट चाहे जितना भी बढ़ते जाए, पर आपके पास एंजाइम 100 ही है, तो एक लिमिट के बाद जैसे यहां से बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, फिर एक लिमिट के बाद एक मैक्सिमम जो अटेन कर लेगा, क्योंकि सब एंजाइम उतने ही है तो उतने ही वो रिएक्शन करेगा। समझ में आई बात? 100 एंजाइम है तो 100 प्रोडक्ट ही बनाएगा वो, जितने भी टाइम में बना रहा है वो, तो उसका रेट जो है बनाते जाएगा बनाते जाएगा, 100 जितने टाइम में बनाता रहे उतना ही बनाते जाएगा, तो वैसे ही उसका एक रेट कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे आप कंसेंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ, ये सीधा ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, चाहे कंसेंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन एक कांस्टेंट ही रहेगा। तो वही चीज सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, ये ही है माइकलिस एंड मेंटन प्लॉट। ठीक है, जो आपके सिलेबस में प्लॉट या ग्राफ,
V इज इक्वल टू वी मैक्स सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय Km जो है कांस्टेंट है प्लस सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, ठीक है, ये इक्वेशन है और नीचे उसका ग्राफ है। तो इसको ध्यान से देखो, वही है इनिशियल रेट V, रेट रिएक्शन रेट इसमें बढ़ते जा रहा है, और फिर इधर दिखा रहा है सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन भी बढ़ते जा रहा है, और Km दिया हुआ है जो क्या है, यहाँ Km, यहाँ जो Km लिखाया हुआ है ये है मैकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। फिर वी मैक्स क्या है, वी मैक्स फॉर्मूला में हम लोग देखे थे मैक्सिमम वेलोसिटी और एस क्या है सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, और उसके बाद यही कहलाता है मैकेलिस मेंटेन प्लॉट। तो यहाँ अपना एंजाइम का टॉपिक खत्म होता है, और एक लाइन एंड वीवर बर्क इक्वेशन ये आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है, ये आपको सर्च मारना है और आपको मिल जाएगा, ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछोगे तब मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ समाप्त करते हैं, थैंक यू। आप लोग इसमें कोई भी डाउट होगा तो एक बार आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में नोट्स आप लोग अपना खुद का बनाइए, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी दिए हुए हैं, और आप बुक भी प्रिफर करें जिससे आपका नोट्स बने, ठीक है, ओके, थैंक यू।